गुड फ्राइडे की पूर्व संध्या पर गुरुवार को सिविल लाइन स्थित सेंट जोसेफ महा गिरजाघर में पल्ली पुरोहित फादर ग्रेगरी द्वारा प्रवचन आयोजित किया गया। इसी के साथ शास्त्री चौक स्थित क्राइस्ट चर्च में मसीही समाज के लोगों ने प्रभु यीशु के अंतिम भोज कार्यक्रम में भाग लिया तथा पुरोहित डीआर लाल द्वारा अपने शिष्यों का पैर धोकर नम्रता का परिचय दिया गया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए डीआर लाल ने बताया, शिष्यों को तैयार किए, उनके पैर धोकर सेवा शुश्रूषा और प्रेम का मनोभाव उन्हें सिखाता है। पुरोहितायी संस्कार और पवित्र परम प्रसाद संस्कार की स्थापना द्वारा हम विश्वासियों के बीच संसार के अंत तक रहने के उपाय हमें दिया और साथ ही साथ आपसी प्रेम के की शिक्षा उन्हें प्रदान करते हुए उन्हें एक परिवार जैसे जीने का आदेश दिया। किए गए थे वे आज का दिन पुण्य बृहस्पतिवार को पुण्य पश्चाताप के बाद मन परिवर्तन के बाद पवित्र परमसार ग्रहण करने के सो अवसर पाया जाता प्रभु के सागर पत्री पास का पर्व द्वारा हमें मुक्ति दिलाए। देखिए ऐसा है, हमारे आराध्य प्रभु यीशु मसीह जो इस संसार में आज से 2018 वर्ष पूर्व आए थे, उन्होंने अपने उपदेश या अपनी शिक्षाएं केवल मुंह से शब्दों के द्वारा ही नहीं दी, बल्कि उन्होंने अपने जीवन में अपने कार्यों के द्वारा करके दिखाई। और इसी क्रम में इसके पहले कि उनका क्रूसीकरण हो शुक्रवार को, उसके एक दिन पूर्व उन्होंने अपने चेलों के साथ एक मेज़ पर बैठे बयारी के लिए और एक फसह के पर्व के लिए, वहाँ पे चेलों ने उनके लिए फसह तैयार की थी और चेलों को उन्होंने एक बड़ी आज्ञा दी और वो आज्ञा थी कि जैसे मैंने तुमसे प्रेम किया वैसे तुम भी एक दूसरे से प्रेम करो। और इसी कड़ी में उन्होंने इसके पहले कि वो बयारी शुरू हो अपने सारे चेलों को गुरु होते हुए भी और परमेश्वर के पुत्र होते हुए भी उन्होंने अपने कमर में अंगोछा बांधा और सारे अपने चेलों के एक एक करके पैर धोए। ये इस बात का प्रमाण है कि इतने महान परमेश्वर के पुत्र और इतने महान गुरु होते हुए भी उन्होंने अपने शिष्यों के पैर धोए। ये इस बात का प्रतीक है कि हमारे और आपके अंदर भी विनम्र स्वभाव होना चाहिए, ऐसी ह्यूमिलिटी, ऐसी विनम्रता होनी चाहिए, दीनता होनी चाहिए कि हम कितने भी बड़े क्यों ना हो, परमेश्वर ने हमें कोई भी स्टेटस क्यों ना दे रखा हो, हमें चाहिए कि हम सदैव अपने से छोटे गरीबों जो हमारे पद प्रतिष्ठा के नहीं हैं उनके ऊपर दया करें, उनकी सेवा करें, क्योंकि मनुष्य का सबसे बड़ा कर्तव्य जो प्रभु यीशु मसीह ने हमें और सारे मानव जाति को सिखाया है वो है विनम्र स्वभाव और अपने से दीन दुखी और लाचारों की, अपने से छोटों की सेवकाई। इसी क्रम में उनकी याद में जो कार्य उन्होंने किया था इस संसार में मनुष्य के रूप में, हम उसकी याद में आज जो है मंडे थर्सडे जिसको कहते हैं, उसमें हम उनके इस बड़े आदर्श का अनुकरण करके हम अपने से छोटे जितने भी हमारे चर्च में आते हैं, चाहे वो किसी भी जाति के हों, किसी भी धर्म के हों, जो विश्वास करके हमारे चर्च में आते हैं उनका और जो हमारे अपने सदस्य हैं सारे लोगों का, छोटे से बड़ों तक हम पैर धोने का कार्यक्रम करते हैं और पैर धो के इस बात को प्रमाणित होते हैं कि पुरोहित होने के नाते भी मैं उनसे बड़ा नहीं हूं, बल्कि एक पुरोहित का कार्य है, एक सच्चे मसीह का कार्य है कि वो अपने से छोटों की, अपने से दीन दुखियों की, सारे लोगों की सेवा करे। यही संदेश प्रभु ने हमें दिया है और इसी का इस पाद प्रक्षालन के द्वारा हम मानव जाति को संदेश देते हैं।